ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हम ना ही तो किसी को मोबाइल नीचे कहाँ पर बोल रहा हूँ, किसी के अगेंस्ट आया है, ये आपका व्यू है, वो आप लेने आए हो। यहाँ पर हम आदिल को ऐसा नहीं कह रहे कि आदिल क्या बेगुनाह है तो वो बाहर है, या फिर यू नो जो भी उन्होंने किया है राखी के साथ, इनका जो भी था वो पर्सनल था, इंडिविजुअल था। हम यहाँ पर किसी के सपोर्ट में नहीं है, हम एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एज अ मीडिया यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कल राखी ने बहुत सारे एलिगेशन मीडिया पर लगाए हैं। देखिए, एलिगेशन लगाने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, फैक्ट्स पेश करने के लिए आए हैं। फैक्ट नंबर वन ये है कि मेरी मुलाकात आदिल भाई से सबसे पहले अम्बोली पुलिस चौकी में हुई थी। वहाँ पर मैं गई थी मिस मोटर माउथ के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने, और ये पहुँचे वहाँ पर अपनी बीवी के साथ, और इन्होंने मेरे पास आकर मुझसे विनती करी, कहा शैलिन मेरी बहन प्लीज़ माफ़ कर दे उसको, अपना केस वापस ले लें। मैंने कहा क्यों भाई, प्लीज़ वो सरफिरी है, वो पागल है, उसको आप प्लीज़ माफ़ कर दो। ये इनके शब्द थे। कहने का मतलब ये है कि इनका कसूर ये है कि इन्होंने एक पागल बददिमाग सरफिरी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करी, ये इनका कसूर है। अगर ऐसा नहीं करते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। इस तरह अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर उस लड़की को अपनाया, कोर्ट मैरिज करी, अब बताओ। और राखी को बोलना मीडिया के ऊपर बहुत आसान है कि मीडिया तुम्हारी साइड है, बिकॉज वो चाहती है कि मीडिया में एलिगेशंस हो जाए, वो मुझे ना कवर करे, दुनिया को मेरी सच ना पता चले। ये उसका नॉर्मल है, नॉर्मल। वो तो शर्लिन और मुझे भी लड़वा देगी। मुझे कहा गया था शर्लिन ठीक नहीं है, उसे ज़्यादा बात मत करो, तुमने क्या किया, नंबर दे दिया क्या? मैंने बोला नहीं, मैंने उनको बहन करके बात किया था। जैसे उनको फ्रॉम द पुलिस स्टेशन उन्होंने छोड़ा था, देन शी सैट विद मी, बोला नंबर ले लिया, अभी शर्लिन से मिलोगे, शर्लिन के साथ तुम घूमने जाओगे। मैंने कहा राखी तुम क्या बोल रही हो, तुम उनसे फ़ोन करके पूछो, मैं नहीं बात करूँगी, वो ये है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, जो उनके शब्द है मैं तो नहीं बता सकता। नहीं, ये हम सब जानते हैं कि एक महिला को जलील करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, उस महिला को बाजारों बोलना। और ये उस लड़की ने कई बार किया है मेरे साथ। उसने कहा कि मैं किसी वैश्या व्यवसाय में पकड़ी गई थी, और ये भी कहा कि अलीगढ़ पुलिस ने मुझको रंगे हाथ पकड़ा था। अलीबाग पुलिस ने मुझे रंगे हाथ पकड़ा था, ऐसा उसका कहना था। और इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए अम्बोली पुलिस ने अलीबाग पुलिस को संपर्क किया, पता लगाया, और अलीबाग पुलिस ने अम्बोली पुलिस को ये बताया कि आज तक उनके पास ऐसी कोई FIR दर्ज नहीं हुई जिसमें मेरा नाम, शर्लिन चोपड़ा का नाम बतौर आरोपी दर्ज हो। तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के लिए कितना आसान होता है ये कहना, फलाना बाजारू है, फलाना वैश्या है, फलाना खूनी है, फलाना बलात्कारी है, फलाना ये है, फलाना वो है, फलाना रईस है, फलाना ड्राइवर है। नहीं, ये बात मुझे बहुत खटकी है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। बहुत बहुत आसान है राखी को किसी को ब्लेम करना, किसी को चने के झाड़ पे चढ़ाना, उसके पास चने ले लेना, उसके बाद बता देना कि ये तो भिखारी था, ये तो ड्राइवर था, ये तो वो था, ये तो ये था। कल की बात कर रहा हूँ मैं, जो राखी बोल रही थी कि रितेश बहुत अच्छे इंसान है, रितेश बहुत पैसे वाले हैं, रितेश मेरी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बोला था ना? जी बिल्कुल राइट। एक सवाल है भाई, अगर उसकी इन बातों में सच्चाई है कि रितेश एक नंबर का हीरा है, रितेश ने उनके खर्चे उठाए, उनका घर चलाया, उनकी स्वर्गीय माँ के कई सारे सर्जरीज कराए, और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है रितेश, अगर इन बातों में सच्चाई है तो उनकी धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई को मजबूर क्यों किया उनसे शादी करने के लिए? ये अजीब बात है, शादीशुदा होते हुए किसी और से शादी करना क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है? तो क्या शादी उनके लिए मजाक बनकर रह गया? हाँ, ना जज्बातों की कदर करती है, ना शादी की कदर करती है, बस
चिल्ला चिल्ला कर ये बोलना कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इससे क्या होगा? एक सच्चा मुसलमान ये नहीं कहता चिल्ला चिल्ला कर कि वो मुसलमान है, उसकी हरकतों से पता चलता है, उसकी इबादत से पता चलता है कि वो मुसलमान है, अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है वो। चलिन मुझे लोग तो ये भी बोल रहे हैं, कल तो मुझे मैसेजेस आए, ये बोल रहे हैं कि दीपेश और राखी ने मिलकर तुम्हें ट्रैप किया है, ये उनका प्लान था कि आदिल को जाओ, आदिल को पसंद करो, आदिल को लूटो, आदिल से पैसे ले लो, फिर ये हम करते ही रहेंगे। ये तो मैं बोल रहा हूँ अभी कि मुझे यूके का एविडेंस मिला है, ये लोग मुझे ये लिख के बोल रहे हैं, वो बहुत बार मिले हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम बेवकूफ़ हो, तुम नंबर वन बेवकूफ़ हो, जब जब तुम कर्नाटक जाते थे तब तब रितेश से वो मिलती थी, ये बात में कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता है, बट मुझे बोल रहे हैं कि तुम रितेश ने भी मिलके तुम्हें फ्रेम किया। लेकिन उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने कहा कि कहीं भी वीजा स्टैम्प नहीं हुआ है। कहां का वीडियो कॉल कराया रितेश से, हर जगह वीडियो कॉल पे। कहां का वीजा स्टैम्प था? लंदन का। उस टाइम वो ग्रीस थे, ग्रीस थे और दूसरी जगह पे थे, जैसा कि आपने कहा डिनाई किया है आपके पूरे। और हां, और वीडियो कॉल पे ये भी बताया गया। सबसे पहले एक बात बताऊं, ये सरासर झूठ है कि वो लंदन नहीं आए थे। लंदन से और ग्रीस का फासला सिर्फ 38 आवर्स का बाय कार। क्या 38 आवर्स ट्रैवल करके आप नहीं आ सकते? ये बात आप मुझे बताइए। जब मेरी सो कॉल्ड बीवी 10 दिन तक यूके में रही है, 8 से 10 दिन तक, तो 38 आवर्स का ही सफ़र है। जो रही बात वीज़े की, अगर बिजनेस वीज़े में ऑलरेडी एक बंदा ग्रीस में है तो उसे वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रैवल करके कभी भी आ सकता है 38 आवर्स। ये गूगल कहता है, प्लीज़ आप गूगल कर लीजिए। डू नॉट बिलीव एनीबडी। जो भी हम बात करते हैं, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ गूगल करके भी देख लेना, आपके सोर्सेज हैं, आप प्लीज़ गूगल कर लें। डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीस टू यूके दैट इज 38 आवर्स। उसके नीचे ये भी लिखा है, इफ़ यू आर हैविंग अ बिजनेस वीज़ा इन ग्रीस, यू डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर एनी वीज़ा, यू कैन ट्रैवल एनी टाइम यू वॉन्ट। वीज़ा दिखा के क्या कर रहे हो? वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हाँ मैं 100% गया था। एटलीस्ट झूठ ठीक से बोल देते कि मैं इंडिया में था, मैं नहीं गया था, एटलीस्ट मुझे प्रूव करने में टाइम लगता, वो तो विटनेस दे रहे हैं मैं था। ये भी कहा गया कि आपके जितने भी प्रूफ थे, अहम सवाल ये है कि रितेश की धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई से शादी कैसे करी, क्यों करी, ये अहम सवाल बनता है। क्या हमारा संविधान, हमारे देश का कानून इस बात की इजाजत देता है कि एक शादीशुदा महिला शादीशुदा होते हुए एक और पुरुष से शादी कर ले? लेकिन वो ये चीज को डिनाई कर रही है राखी ने डिनाई किया ये चीज को। ये बात मैंने बोला था कि मुझे पता नहीं था, और राखी ने मुझे साफ साफ कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई है। ये सर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट मेरे प्रेस में, डू यू रिमेम्बर, आपने मुझे ये सवाल किया था कि राखी तो शादीशुदा है, दुनिया जानती थी, तो आपने क्यों शादी की? कल तो रितेश और राखी एविडेंट में बोले हैं कि हमने शादी नहीं की। आपने सुना? कैसे बोल सकते हैं शादी नहीं हुई है? तो दुनिया को पता था वो दोनों शादीशुदा है। जब आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस बुला के कि वो शादीशुदा नहीं है, तो आपके जितने भी प्रूफ है सब फॉल्स है।